हेलो फ्रेंड्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए फॉर न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों, आज का लेक्चर स्पेशली टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप लोगों को चैप्टर है लिक्विडेशंस ऑफ कंपनी। लिक्विडेशंस ऑफ कंपनी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समरी हम लोग जानेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। एंड अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप लोग क्या कर रहे हो, एक्चुअली में क्या है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बता रही हूँ, ताकि जब भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा बहुत, या फिर आपको शॉर्ट नोट्स में, या फिर आप अगर ऑब्जेक्टिव लिख कर रहे हैं तो आप ये कवर कर लेंगे। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का ओवरऑल हम लोग जानेंगे कि क्या होता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। दोस्तों, आप लोग को पता है कि कोई भी कंपनी हो, अगर वो कर्ज में है, ओके, कोई भी कंपनी अगर कर्ज में है, उसने बहुत सारा लोन लिया रहता है, और अगर वो पे नहीं कर पाती तब क्या होता है, वो कर्ज में डूब जाती है। और जब कोई कंपनी कर्ज में डूबती है तो क्या होता है, उसका कंपनी का एंड होने लगता है। जब कंपनी का एंड होने लगता है, इट मीन्स कि कंपनी का समापन होने लगता है, कंपनी क्लोज होने वाली रहती है। तो क्लोज होने लगती है जब कंपनी, तो उसे हम कहेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। इट मीन्स कि जब कंपनी अपने कर्जों का भुगतान न कर पाए, अपने दायित्वों को पूरा न कर पाए, तब कंपनी अपने समापन यानी क्लोजिंग होती है, यानी बिजनेस क्लोज होता है कंपनी का, और उस टाइम पे उसे हम कहेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जिस उस वक्त में डायरेक्टर्स हो या कंपनीज के ओनर्स हो, कोई भी हो, उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, वो उस टाइम पे ओनर भी नहीं रह जाते, क्लोज होने लगता है बिजनेस उनका। जब क्लोज होने लगता है तो इसके तीन कंडीशंस रहते हैं। अब लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के तीन कंडीशंस है, कौन कौन से ऐसे तीन कंडीशंस हैं? तो पहला कंडीशन है क्लोजर ऑफ बिजनेस। क्लोजर ऑफ बिजनेस यानी कि अब बिजनेस आपका क्लोज हो रहा है, अब कोई उम्मीद नहीं रह गई, अब आपका क्लोज होने ही वाला है बिजनेस। अब बिजनेस क्लोज हो रहा है तो वहां पे आता है लिक्विडेटर। अब ये जो लिक्विडेटर है, ये इसके कुछ रोल्स होते हैं। ये एक ऐसा बंदा है जो गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाता है। जैसे ऑक्शन करते हैं ना, तो ऑक्शन करने के लिए बुलाए जाते हैं लोग, तो जैसे बोली लगाने के लिए नहीं, क्या गवर्नमेंट के लोग आते करके देन बोली लगती है, वैसे ही टाइप का कुछ यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होता है, लिक्विडेटर आता है, उसको हम लिक्विडेटर बोलते हैं, जो कि क्या करेगा, वो कंपनीज का जो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी है, जो कंपनीज है क्लोज होने वाली है। तो अब ये लिक्विडेटर क्या, ये एक ऐसा बंदा है जो गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया है। एंड इसका काम क्या है, तो इस बंदे का काम है कि ये एक रिपोर्ट बना के देगा और गवर्नमेंट को रिपोर्ट वो सबमिट करेगा। कौन सी रिपोर्ट होगी, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट की रिपोर्ट ये जमा करेगा, मतलब कि ये बंदा गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया गया है। एंड ये क्या करेगा, एसेट, रियलाइज एसेट मतलब कि जितने भी एसेट है, उन एसेट को वो बेचेगा, कंपनी के जितने भी एसेट थे। अब ये बंदा क्या करेगा, उस एसेट्स को वो बेचेगा। अब वो सारे एसेट्स को ये बेचकर, उस एसेट्स को बेचकर वो कन्वर्ट करेगा कैश में, और जो भी कैश इसको यहाँ से मिलेगा, ओके, जो भी कैश इसको मिलेगा इस बंदे को, तो ये बंदा क्या करेगा, मंदर मींस की लिक्विडेटर जो है, वो एसेट को बेचेगा, और बेचने के बाद जो उसके पास कैश आएगा, तो उस कैश के थ्रू जितनी भी कंपनीज की लाइबिलिटीज थी, जो भी कंपनी ने लाइबिलिटीज बना के रखी थी, मतलब कि जो कंपनी ने लाइबिलिटी पे कर दी है उसको नहीं भरेगा अगेन, नहीं, जो कंपनी की लाइबिलिटी पे करना बाकी है, कंपनी ने लाइबिलिटी नहीं पे की, अब वो तो कर्ज में डूबी है तो क्या पे करेगी, तो वो जो लाइबिलिटी पे करनी बाकी है वो पे करेगी, जो भी एसेट से कैश बनेगा, जो भी एसेट से कन्वर्ट होके कैश आएगा, वो कैश का यूज करके उसको पे करेगी लाइबिलिटीज। तो ये लिक्विडेटर जो है वो लाइबिलिटी भी पे करेगा, उसी कैश से पे करेगा लाइबिलिटी, और वो भी किस फॉर्म में करेगा, वो इन ऑर्डर फॉर्म में कैश को पे करेगा। और वो इन ऑर्डर फॉर्म क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन उसके बाद क्या होती है, स्टोरी क्या आएंगे, फिर जब ये लाइबिलिटी पे कर देगा और उसके बाद भी जो भी पैसा बचता है, सपोज कि कुछ कैश बच जाता है, वो कैश वो सरप्लस के रूप में शेयर होल्डर्स को दे देगा। तो ये होता है
कुछ ये उसकी ड्यूटीज है, किसकी ड्यूटीज है, लिक्विडेटर की, ये रोल प्ले करता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्लोजिंग ऑफ बिजनेस, लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का नाम ही है कि जब कंपनी कर्जे में डूब जाएगी एंड जब उसका समापन होने लगेगा, एंड होने लगेगा, तब बुलाया जाएगा, तब आता है, एंट्री होती है लिक्विडेटर की, और लिक्विडेटर अपना रोल प्ले करता है और वो उसकी कुछ ड्यूटीज होती है जैसे कि रियलाइज एसेट, पे लायबिलिटी एंड सरप्लस पे करता है वो शेयर होल्डर को। तो तीन ड्यूटीज है, तो पहले तो एसेट को कन्वर्ट करेगा कैश में एंड उसके बाद वो लायबिलिटी को पे कर। अब जो कैश आया लिक्विडेटर के पास, उस कैश को ये लिक्विडेटर क्या करेगा, जो भी लायबिलिटीज हैं उनको पे कर देगा, जैसे कि इन ऑर्डर फॉर्म में। अब इन ऑर्डर फॉर्म का मतलब होता है जैसे कि सिक्योर्ड क्रेडिटर है, कंपनी के कुछ सिक्योर्ड क्रेडिटर होंगे, क्रेडिटर रहे होंगे, देन लिक्विडेटर एक्सपेंसेस रहे होंगे, प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर्स रहे होंगे, डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं, डिविडेंड होता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, पीएससी मतलब कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ईएससी का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, डेफरेड शेयर होल्डर्स। तो इन सभी को क्या किया जाएगा, इन सभी को पे किया जाएगा। जो भी अब ये रिलाइज कैश, मतलब जो कंपनी के जितने भी जो भी एसेट्स थे, जो बचे थे एसेट, वो सभी एसेट को बेचकर क्या किया जाएगा, कैश कन्वर्ट किया जाएगा। अब ये जो कैश है, ये कैश को अब पे किया जाएगा। अब ये कैश पे करेगा तो इन सभी बंदों को देना है, ये जो कंपनीज के क्रेडिटर वगैरह हैं, ये जो इनकी लिस्ट है, इन सभी को पे करेगा। ये पे करने के बाद फिर भी अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ बचता है, कोई कैश अगर बचता है, उस कैश को वो सरप्लस के रूप में शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर देगा, इट मींस कि वो पे कर देगा शेयर होल्डर्स को। तो ये थी कुछ ड्यूटीज जो कि एक लिक्विडेटर करता है। एंड इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर वो बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग, ये अकाउंट बनाता है एंड वहां पे ये प्रिपेयर करता है, ये अकाउंट प्रिपेयर करेगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर करेगा और यहाँ पे ये एक रिपोर्ट बनाएगा। क्या करेगा, एक रिपोर्ट होगी और उस रिपोर्ट को किसको देगा, ये रिपोर्ट को वो गवर्नमेंट को दे देगा, किसको देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। कौन देगा, ये देगा लिक्विडेटर, लिक्विडेटर दे देगा गवर्नमेंट को, ओके। और ये रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को दे देगा एंड फिर पिक्चर हो जाती है खत्म, कंपनी हो जाती है बंद। तो ये था लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। आई होप कि आपको ये चीजें याद रही होंगी कि व्हाट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। इसमें तीन कंडीशंस होती हैं, क्लोजर ऑफ अ बिजनेस, लिक्विडेटर एंड ड्यूटीज। लिक्विडेटर का रोल क्या है एंड उसकी ड्यूटीज क्या होती है। आई होप गाइस कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और जो रिपोर्ट वो लोग बनाते हैं फाइनेंशियल का, तो फिर वही चीज आपको यहाँ पे अकाउंटिंग में की करना पड़ता है कि किसको दिया, अब क्लोजिंग हो रहा है तो कैश कितना हो रहा है, पेमेंट कितना हो रहा है, और फिर उस तरीके से रिपोर्ट बना के रखना पड़ता है, उसी ये आपको बनाना रहता है, ओके। तो ये चीजें थी, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो पूरा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, इसकी जो पिक्चर मैंने, इसकी जो स्टोरी आपको सुनाई है, ये स्टोरी आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर पाएं और उनको भी इस मेथड से वो भी पढ़ पाएं, ताकि ये आपको आपको तो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा फॉर न्यू नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच।